मित्रराज भाई, साथियों, हमारे बीच में बहुजन राष्ट्र कवि राजू भारती जी भी हैं और वो अब गीत के माध्यम से, कुछ पंक्तियों के माध्यम से भानु प्रताप सिंह जी के प्रोत्साहन करने के लिए अपनी कविता भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह आएँ और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे ही पता चला कि आज EBM के विरोध में जहाँ प्रदर्शन है, सर सच में मैं रात भर से इंतजार कर रहा था और सर के साथ एक दो मुलाकात पहले हो चुकी है। पहले एक बार जोरदार एक बार हम लोगों को एक नारा लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। हम सब एक बार ताकत के साथ लगाना है, जिंदा लोगों की तरह, क्योंकि भानु प्रताप सिंह जी इस देश में बाबा साहब के वो अंश हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया। इसमें कोई दो राय तो नहीं है। एक बार दोनों हाथ खोल के उनके लिए सम्मान के साथ ताली बजाएं। हम सब, हम सब आवाज दो। मैं चार पंक्तियां समर्पित करता हूं कि शूद्र विद्वान हो जाए उसे ये पाप कहते हैं। अगर शूद्र पढ़ लिख जाए तो उसे ये पाप समझते हैं इनके ग्रंथों के अलावा, इनके ग्रंथों के अनुसार। लेकिन भारत के संविधान ने क्या दिया है कि शूद्र विद्वान हो जाए इसे ये पाप समझते हैं। और संगी मोदी को चैनल पे शूद्र विद्वान हो जाए उसे ये पाप कहते हैं। संगी मोदी को चैनल पे भारत का बाप के शर्म नहीं आती, मतलब के चैनल पे भी इतना सुनने को मिल रहा है इस देश के अंदर। संगी मोदी को चैनल पर भारत का बाप कहते हैं। EBM का विरोध जो खुले मंचों से करता है, हाँ ऐसे निडर सिपाही को भानु प्रताप कहते हैं। मैं समर्थित करता हूं उनके सम्मान में जी लाइन है। और ये वादा है भोपाल की तरफ से, मध्य प्रदेश जो राजधानी है मध्य भारत की, कि ये EBM से जीतेंगे। अगर भाजपा के लोग ये EBM से जीतेंगे, देश कंगाल कर देंगे। ये EBM से जीतेंगे तो देश कंगाल कर देंगे। दलित और आदिवासी का बुरा ये हाल कर देंगे। मुसलमानों का, पिछड़ों का बुरा ये हाल कर देंगे। कसम संविधान की, कसम संविधान भारत की, ये ताकत है युवाओं में। अगली लाइन समझ में जाए तो जरूर साथ दीजिएगा। कसम संविधान भारत की, ये ताकत है युवाओं में। अरे तिरंगा हाथ में लेके नीला भोपाल कर देंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगले वक्ता के रूप में राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष भैया इंजीनियर महेश कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि वह आएं और अपनी बात रखें। कर लो भैया, थोड़ा सा कर लो।